आश्चर्य हुआ, ये राजद के नेताओं को ये जदयू हमारे, लेकिन महिलाओं के बारे में राजद के नेताओं ने जिस प्रकार से, राजद के नेता उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, मातृशक्ति से, एक तरफ प्रधानमंत्री और सभी दल मिलकर के नारी शक्ति वंदन में महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हर जातियों को जातियों से लड़ाने के लिए जो विद्वेषपूर्ण। प्रकार का बयानबाजी, ये चुनाव आता है तो राजनेता और विशेष करके जो हमारे विपक्ष के नेता है उनका जीभ फड़कने लगता है, उलट पुलट बयान और गलत बयान, गंदे बयान देते हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के लिए राजनीति के जो कार्यकर्ता या नेता हैं वो संयम बरते हैं। जिस प्रकार का बयान पिछले दिनों मैंने देखा, अब कोई ठाकरों पर बयान दे रहा, कोई विभिन्न जातियों पर दे रहा, ये जातियों के बारे में द्वेष फैलाना ये राजद का संस्कार है। जब चुनाव आता है तो जातियों को जातियों से लड़ाना, जातियों के बीच विद्वेष फैलाना, ये राजद और कांग्रेस तमाम ये इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्मावलंबियों को गाली देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं, मुसलमान भाई बहनों का जिनको 3 तलाक दिया था उनको गाली देते हैं। तो मुझे लगता है कि यह जिस प्रकार से बयानबाजी का दौर चला है, मुझे तो आश्चर्य हुआ, ये राजद के नेताओं को ये जदयू हमारे जो कांग्रेस के ये इंडी गठबंधन के नेता, इनको क्या हो गया है? कोई मंत्री सनातन धर्म को गाली देता है, कोई सनातन का ये इंडी ठगबंधन के लोग सनातन धर्मावलंबियों को गाली देता है। उतना ही नहीं, कल तो एक बिहार के राजद का नेता, उसने तो महिलाओं के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की। उनके घर में भी माँ बहन है, सबके घर में माँ बहन है, किस माता और बहन को टिप्पणी करते हो? आपने कहा बॉब कट वाले, आपने कहा लिपस्टिक लगाने वाले, आपने कहा कि ये श्रृंगार करने वाली, हर माता बहन श्रृंगार करती हैं, हमारी देवी है, लेकिन महिलाओं के बारे में राजद के नेताओं ने जिस प्रकार से, राजद के नेता उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, मातृशक्ति से, एक तरफ प्रधानमंत्री और सभी दल मिलकर के नारी शक्ति वंदन और अभिनंदन किया, नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हुआ, भारत की राष्ट्रपति ने उसको मुहर लगा दिया, और आज कहा जाता है कि नारी शक्ति वंदन ये विधेयक उसमें धोखा है, जबकि उसमें अनुसूचित जाति जनजाति सबको सम्मिलित किया गया है। और अब उनको क्या चाहिए? आप नारी का अपमान करते हो, नारी शक्ति का अपमान करते हो। आपको है राजद में तो आधी आबादी से ज्यादा नारी को खड़ा करो मतदान में। जेल से है लालू जी तो संरक्षण दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानबाजी पर ये सचमुच में महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हर जातियों को जातियों से लड़ाने के लिए जो विद्वेषपूर्ण भावनाएं चुनाव के दौरान फैलाई जा रही है, ऐसे तत्वों से सावधान रहे। ऐसे राजद के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या इंडी के नेता हो, किसी को भी किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय किसी भी जाति के बारे में कोई भी अधिकार आपको संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने नहीं दिया है। जो इस प्रकार के विद्वेष फैलाते हैं वो संविधान विरोधी हैं और निश्चित रूप से असंवैधानिक काम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। इनको निश्चित रूप में ऐसे सनातन धर्मावलंबी को गाली देने वाले को देश द्रोह की भी संज्ञा, देश की जनता भी।